हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। ये जो वीडियो है जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इस तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर एक पे आ जाते हैं। खंड अ में सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। कह रहे हैं एक संख्या एम बट्टे एन के रूप में इसके परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है, तो परिमेय संख्या आप कब बोलोगे। सो पहला वाले उत्तर पे आ जाऊँ। देखो संख्या एम बट्टा एन परिमेय संख्या होने के लिए हर के गुणनखंड को दो की घात एम गुणा पाँच की घात एन का रूप होना आवश्यक है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा था। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण 16x² - 24x का इसको हल करना है आपको। ठीक है, इसको हल करना है। सो देखो द्विघात समीकरण क्या है, ये चीज़ है। इसमें से क्या उभयनिष्ठ है, चार उभयनिष्ठ है और एक्स उभयनिष्ठ है। 4 × 16 x² से x बाहर, 4 × 24 x पहले ही बाहर आ गया, तो दो गुणनखंड बन गए। यदि 4x = 0 तो ये 4 × 0 के बट्टे में आ जाएगा। 0 के बट्टे में कुछ भी हो तो आंसर क्या होता है, 0। ठीक है, फिर ले लेंगे, यदि इस जोड़े के 0 लेंगे, 4x - 6 = 0 तो ये माइनस का 6 प्लस का हो जाएगा, और ये 4 × 0 इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 2 × 4 = 2, 3 = 6। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सर्वांतर -1, तो इसका पांचवा पद बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो हमें दिया क्या है, प्रथम पद बोले तो ए दे रखा है हमें, तो सर्वांतर डी दे रखा है -1। पांचवा पद निकालना है, A5 निकालना है, तो A5 का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, यहाँ जो भी होता है ना उससे कम कर दो 4D। ए कितना है 2, डी कितना है -1, 2 - 4 आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे आते हैं, कह रहे हैं यदि 1, 2, x, 3 तथा 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य में क्या दे रखा है, 2। माध्य क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ो, और जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 उससे भाग दे दो। माध्य कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 2। देखो 3 और 4 ये 7, 10, 10 + x। ठीक है, तो ये 5 इधर गुणे में आके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10। 10 + के इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा, 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। पांचवे क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि किसी प्रायिकता का मान इतना हो तो ए नहीं की प्रायिकता का क्या मान होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आपको पता है क्या पता है आपको। देखो चूंकि PE + PE नहीं के लिए डैश का जो योगफल होता है वो 1 होता है। PE का मान दे रखा 0.65 और इसके मान को हमें निकालना है। ये प्लस के दर के क्या हो जाएगा, माइनस। 1 को मैं 1.00 लिख सकता हूँ, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का।
ठीक है, हासिल लगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, तो 0.35, 3 5 आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल लिखिए, इसका हमें मूल ज्ञात करना है मान। तो समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल निकालना है। मूल का मतलब है द्विघात सूत्र, एक्स बराबर क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, यही इसका मूल होगा, यही इसका क्या होगा मूल होगा, आराम से हो गया। सातवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा इसको सरल कीजिए, ठीक है, इसको हमें सरल करना है। देखिए ये चीज़ हमें दे रखी, इसको अब सरल करना है। अब देखो यहाँ पर कोई भी सर्वसमिका तो लग नहीं रही है, तो सर्वसमिका नहीं लगते तो साइन कॉस में बदलते हैं, कॉस एक को लिखते हैं 1/sin θ, और यहाँ तो पहले से ही साइन थीटा है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। पहले भिन्न को हल करते हैं, साइन थीटा 1 cos θ लॉस ऑफ आ जाएगा, 1 cos θ माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा 1 - sin²θ क्या होता है, cos²θ, तो यहाँ हम रख सकते हैं cos²θ, बट्टे में क्या है sin θ, गुणे भाग में कटेगा तो आंसर क्या जाएगा, इसको सरल करने पे हमें क्या मिला, cos²θ मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं आठवें क्वेश्चन में, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर 8वां है ये हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपके पास 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ये दीवार है, ये उसकी सीढ़ी होगी, ठीक है, और ये ज़मीन है, ठीक है। दीवार पूरी सीधी खड़ी होगी तो 90° का कोण बनेगा, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होगी तो गिर जाएगी। कह रहे 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो ये 10 मीटर लंबी है, यानी कि 90° के सामने वाला ये क्या होता है, कर्ण। एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की दूरी पर एक खिड़की तक पहुँचती है, भूमि से कितनी दूरी पर ये 8 मीटर। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, सॉरी एक गलत पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। कह रहे हैं 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई दे रखा है 8 मीटर, ये 8 मीटर है, तो दीवार से ये सीढ़ी कितनी दूरी तक है ये हमें ज्ञात करना है। माना दीवार से सीढ़ी कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी बोल देंगे। तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, देखो ये आपका लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या है आपका आधार, आपको निकालना है त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है 10 का वर्ग, आधार है x का वर्ग, लंब है 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 64 माइनस करोगे इतना जाएगा 36। सो x का मान क्या जाएगा प्लस माइनस 6, लेकिन लोगे क्या आप 6, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती, एक्स का मान क्या लिया जाएगा प्लस के 6। नवा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। कह रहे हैं यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80° के कोण पर झुकी हुई हैं तो पी ओ ए का मान बताइए। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कह रहे हैं
आपके पास एक वृत्त है, यह उसका केंद्र है। केंद्र का नाम है ओ, बाहर एक बिंदु लिया गया है पी, इस पी से डाला गया स्पर्श रेखाएं दो, जिसका मान है ए, एक का मान है बी, पी ए पी बी। और ये वाला जो कोण है वो बताया गया है कि 80 डिग्री पर झुकी हुई है। इससे इसको मिला दोगे तो हमसे क्या बोला है कि पी ओ ए, पी ओ ए कितना होगा ये, ठीक है ना। सो देखो प्रमेय 10.1 के अनुसार यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है ना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोण कौन कौन सा है, ए कोण भी है और बी कोण भी है, ठीक है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण सर्वांश, एक नंबर का आपको उसी हिसाब से ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। सो देखो पहले लिखोगे चतुर्भुज पी ए बी ओ में, ठीक है, कोण पी कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी, चतुर्भुज का चारों कोण का मान तो 60 होता है। तो पी है 80, ए है 90, ओ पता नहीं, बी है 90। तो 90 90 180, 8 और 8 तो यह आ जाएगा 260। तो ये प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, तो कोण ओ का मान कितना आ जाएगा 100। ये पूरा कोण कितना आ जाएगा 100। देखो आपको ये वाला कोण निकालना है, तो ये वाला कोण क्या होगा, इसका आधा होगा। अब एक नंबर का क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगशम है त्रिभुज पी ओ बी के, अतः जो कोण आपसे पूछा गया है पी ओ ए वो हो जाएगा 100 का आधा। 100 आया है, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होगा, तो आधा कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। आंसर कितना जाएगा 50 डिग्री। इस तरीके से आपको करना था, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपको तो एक नंबर के हिसाब से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे लंबाई 6 मीटर वाले के ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक 6 मीटर लंबाई है, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर है, ठीक है। उसी समय ये उसी ये ज़मीन है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, ये जो मीनार है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मीनार मान लिया, मीनार की छाया की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है 28 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 मीटर है। तो कह रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माना मीनार की ऊंचाई एच है, ठीक है। सो ये जो चीज़ होगा दोनों में सेम टू सेम बनेगा। देखो ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, ये वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा, ए बी सी डी ई, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा के अनुपात आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आधार ए बी और इसका आधार क्या है ए सी, ए बी बट्टे ए सी बराबर होगा ई बी, ई बी बट्टे सी डी। तो ए बी कितना है 4, ए सी कितना है 28, ई बी हमें कितना दे रखा है 6 और सी डी हमें एच निकालना है, गुणा करो 4h 6 × 28 = 28, 7 × 42। सो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 42 मीटर, ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
रहे हैं, एक थैले में पांच काली, सात लाल तथा तीन सफेद रंग की गेंदे हैं। यदि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाए तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद काली नहीं हो। ठीक है, काली नहीं हो ये निकालना है आपको। तो काली नहीं बोला है तो पहले काली निकालो और उसको एक में से घटा दोगे तो काली नहीं की आ जाएगी, है ना। ये सब हमने सीख रखा है एनसीईआरटी में, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है? काली गेंद, पांच, लाल गेंद कितना दे रखा है? सात, सफेद गेंद कितना दे रखा है? तीन। तो कुल गेंद कितना हो गया मेरे पास? सात और तीन, 10, 15। कोई दिक्कत नहीं है। तो काली गेंद ना आने की प्रायिकता कैसे निकल जाएगा? एक में से घटा देना होगा काली गेंद की प्रायिकता। काली गेंद की प्रायिकता क्या होगा? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव काली काली गेंद कितनी है? पाँच, और कुल परिणाम कितने? 15। 5 कम 5, 5 थी 15। लॉस ऑफ पाँच जाएगा 3, 3 एक कम 3, ऊपर ही वाला ऐसे रह जाते हैं, 2/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। इतना आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है बताइए? कोई हल तब नहीं होता जब ग्राफ में दो समांतर रेखाएं आ जाती हैं, क्योंकि ये कभी प्रतिच्छेद करेगी नहीं तो कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, केवल एक हल कब होता है? जब ऐसे कट करता है, केवल एक हल। और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है? एक रेखा ऐसे गई, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी, तो आपकी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो मैं तो आपको सारा क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। कह रहे हैं ग्राफी विधि से इसका हल कीजिए। ठीक है, कहते हैं समीकरण क्या दे रखा है? जो पहला समीकरण हमें दे रखा है वो है 2x+3y माइनस के वन बराबर ज़ीरो। 2x+3y माइनस के वन रखेगी और जाएगा प्लस के वन, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा में समीकरण दे रखा है वो है x+3/2y माइनस टू। तो सबसे पहले देखो, ये माइनस का टू इधर रखे, प्लस का टू हो जाएगा, इधर लॉस ऑफ आ जाएगा टू, 2x हो जाएगा, इसके बट्टे में एक, 3 एक कम 3y, 2। तिरछे गुणा कर देंगे, 2x+3y एक कम वही और 2 दूनी 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब आपको ग्राफ अगर खींचना है तो हर एक समीकरण से कम दो बिंदु निकालने पड़ते हैं, तो समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक से देखो क्या करेंगे हम। ये समीकरण एक है, आप कुछ भी मान सकते हो एक्स और वाई का, बट कोशिश ये की जाती है कि ऐसे मान आए पूर्णांक निकल लें। ठीक है, पूर्णांक से ज़्यादा आसानी के साथ हो जाता है। ठीक, सो देखिए क्या करेंगे, ऐसे टेबल बनाते हैं। ठीक, सो अब मेरे पास तो अभी ग्राफ पेपर नहीं है, और आपको एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। आपको अगर ग्राफ पेपर नहीं दिया तो आप एग्ज़ामिनर से मांगो कि सर मुझे ग्राफ पेपर चाहिए, तो वो ज़रूर देगा। ठीक है, नहीं दे रहा है तो बोलो कि सर मेरे को चाहिए, क्योंकि आपका ये हक है, बोर्ड एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर आपको ज़रूर मिलेगा, एक एक से ज़्यादा नहीं मिलता है, ये अभी बता दूं। अगर आपका एक बार गलत बन गया तो आपको दोबारा ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही बार मान सकते हो, और जब बनाओ तो ढंग से आराम से बनाना है पेंसिल से। सो देखो, एक्स का मान यहाँ लिखते हैं, यहाँ वाई। अगर एक्स का मान ज़ीरो मानोगे तो यहाँ 3y = 1 आ जाएगा, 3 × 3 में आके 3 हो जाएगा, 1/3। वाई का मान ज़ीरो मानोगे तो ये 2 × 3 में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये पहली बिंदु, ये दूसरी बिंदु आ गई। ठीक है, इस बिंदु का मतलब है 0, 1/3, और इस बिंदु का मतलब है 1/2, 0। आप कहोगे सर 1/3 क्या होता है?
तीन से भाग दोगे तो ये 0.33 ऐसा चलता रहेगा, और ये 0.50। ठीक है, ये पहला मिल गया समीकरण, एक से दो बिंदु मिल गए। अब आ जाओ समीकरण दो से। तो पहले वाले समीकरण पे आ जाओ, यहाँ x यहाँ y, x का मान अगर 0 मानोगे तो y का मान आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 का मतलब है 1.33 ऐसा, और y का मान 0 मानोगे तो 2x = 4 आ जाएगा, 2 × 4। ठीक है, तो ये वाला जो बिंदु है मेरे पास वो है 1.33, और ये बिंदु ये है। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में। ठीक, और यहाँ 0, 0। तो पहला बिंदु क्या है मेरा, x पे 0, y पे 0.33, 1, 2। सो यहाँ आ जाएगा पहला बिंदु मेरा। और दूसरा बिंदु क्या है, x पे 0.5, 1, 2 यहाँ पर, और y पे जाना ही नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे और जब नाम लिख दो कि 2x + 3y = 1। फिर बोला है x पे 0, y पे 1.33, यहाँ बिंदु आ जाएगा लगभग। और दूसरा बिंदु बोला है कि x पे 2 और y पे जाना ही नहीं है, तो 2.0 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे ऐसे, तो देखो ये और ये रेखा आपस में क्या होंगी, समांतर होगी। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो आपको पूरा दिखेगा, ये तो मैंने अंदाज में बनाया, ये कभी भी आपस में कट नहीं रही है, इस वजह से ये क्या है, ये समांतर है, और समांतर का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि इसका मान 2 के बराबर होगा। इसका मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो हमें क्या दे रखा है, हम बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष लेने पर ऐसे लिखोगे आप, क्या है बायां पक्ष, sec 41 sin 49, cos 49, cosec 41। ठीक है, ये बोला है। अब आपको पता है इनके मान ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हमें पता ही नहीं है, पता है क्या, नहीं पता है। और आप देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 90, और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी मिलेगा 90। ठीक है, सो जब दोनों का मान 90 मिलता है तो उन दोनों में से किसी एक को बदलना होता है, तो आपकी मर्जी है, इन दोनों में से किसी एक को बदलो। देखो सेम टाइप का है दोनों में, तो अगर यहाँ से 41 को बदल रहे हो तो कोशिश करना कि इधर से भी उसी एंगल को बदलो, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, इस वाले को चेंज कर रहा हूँ। साइन में 90 में से मैं कितना घटाऊँगी, 49 आ जाए, 41। ठीक है, तो मैंने 49 को बदला, इसको भी बदलना पड़ेगा। कॉस 90 में से मैं क्या घटाऊँ कि 49 आ जाए, 41। इसको बदला है तो इसको वैसे क्या वैसे ही रखो। आपको पता है sin 90 - θ क्या होता है, sin 90 - θ क्या होता है, cos θ। थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या, 41। और cos 90 - θ क्या होता है, sin θ, और थीटा की जगह पर क्या, 41। आपको पता होगा कि sec θ × cos θ का मान 1 होता है, और sin θ × cosec θ का मान 1 होता है, बस ये एंगल बराबर होने चाहिए। और एक सूत्र है वो भी लिख देता हूँ, tan θ × cot θ, उसका मान भी 1 होता है अगर ये दोनों एंगल बराबर है। यहाँ 41 है, यहाँ 41 है, sec × cos क्या होता है, 1, इसका मान भी 1, 1 और 1 2, यही तो प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 15वें क्वेश्चन में आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहे बिंदु ए बी और ये पी समान दूरी पर स्थित हैं,
तो दिखाइए कि 3x बराबर 2y होगा। आपके पास एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 5,1 और दूसरा है B जिसका है -1,5। इनके बीचों बीच एक बिंदु रखा है P जिसके निर्देशांक है x,y। तो हमें सिद्ध क्या करना है, थ्री एक्स बराबर टू वाई, ये हमें सिद्ध करना है। क्या दे रखा है, ए पी बराबर पी पी। ए पी का मतलब ए और पी के बीच की दूरी, पी पी का मतलब बी और पी के बीच की दूरी, ठीक है। ए पी तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स वन माइनस एक्स टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। वर्क करने पर अनरूट हट जाएगा दोनों तरफ से, ये बचेगा अंदर। डायरेक्ट खोल रहा हूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी, ठीक। यहाँ से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, दोनों तरफ सेम होते तो कट जाते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 25 से 25 कटा, ठीक है। एक से एक कटा, और कुछ देखो यहाँ पर माइनस के टेन एक्स और माइनस के टू वाई, और यहाँ पर टू एक्स माइनस के टेन वाई, ठीक है। सो देखो ले जाओ एक तरफ, एक्स को एक तरफ ले जाओ, माइनस का टेन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के टेन, और ये टू एक्स ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से आ जाएगा 8y और यहाँ से आ जाएगा 12x, चाहती है 12 चार दुनी, तो यहाँ से आएगा 2y इक्वल टू 3x। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है ना, सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार रिपीट होता रहता है। सो करते हैं, लेफ्ट साइड लेकर राइट साइड प्रूफ करना है। टेन थीटा लेते हैं लेफ्ट साइड, और यहाँ है टेन थीटा, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड बदल रहे हैं, टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कॉस, क्योंकि कोई भी शर्मशमिका नहीं लग रही है तो बदलना पड़ेगा। और सेक को लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस माइनस वन, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन को लिख सकता हूँ सेक का होता है 1/cos θ। अब यहाँ पर आपको भिन्न दिख रहा हो तो इसको हल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ऊपर जो है वैसे का वैसा लिख दूँ, तो इसका लॉस ऑफ क्या आ जाएगा cos थीटा, 1 cos θ को गुणा कर दोगे, इसका लॉस ऑफ अभी cos थीटा 1 cos θ कम cos थीटा। अब देखो इसके बट्टे में भी cos थीटा है, इसके बट्टे में cos कटा, इसके बट्टे में cos, इसके बट्टे में cos कट गया, ठीक है। सो क्या बचा, sin थीटा 1 cos θ प्लस sin थीटा 1 cos θ, ठीक। अब जो लाना है उस पर भी ध्यान रखिए। अब इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 cos θ 1 cos θ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस माइनस कटा साइन थीटा 2 sin θ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला, एक का स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको बताएं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन कम हो जाएगा वन बाई साइन थीटा, और वन बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट 17, ये भी हर बार आता है इस टाइप का एक क्वेश्चन, कहते के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है करके लिख दोगे, कुछ भी अगर दाईं तरफ होगा उसको बाईं तरफ ले आना है, ये मेरा पहला समीकरण है। ये मेरा दूसरा समीकरण है, देखो यहाँ मेरे को क्या दे रखा है, ए वन कितना है के, बी वन कितना है तीन, गुणांक लिख रहा हूँ, और सी वन कितना है माइनस के माइनस थ्री, और ए टू कितना है बारह, बी टू कितना है के, सी टू कितना है माइनस के, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए संपाती रेखाएं होती हैं, और उसमें क्या होते हैं ए वन बट्टा ए टू, बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू, तीनों आपस में बराबर होते हैं। मान रखो ए वन ए टू, बी वन बी टू, सी वन सी टू, इन दोनों को बराबर ले लो, जब के बट्टे बारह तीन बट्टे के आपस में बराबर हैं, त्रिकोण कर दोगे के गुणांक के स्क्वायर बारह तीन छत्तीस प्लस माइनस छत्तीस का वर्गमूल, तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस छः, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है, ठीक है। सो बायां पक्ष लेते हैं, क्या हमारे पास 10a 6a इसको हल करके ये लाना है, ठीक है। सो देखिए क्या ले लेंगे, सर्वसमीकरण नहीं लग रही है, जब भी सर्वसमीकरण नहीं लगते तो जो भी फलन होता है उसको हमें साइन कॉस में बदलना होता है, तो टेन का को हम लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, सेक को लिख सकते हैं हम एक बट्टा कॉस, सेम यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम ले लो ऊपर से, यहाँ से आ जाएगा साइन ए प्लस वन माइनस के कॉस, ठीक है, अपॉन यहाँ से भी एलसीएम कॉस, तो साइन ए माइनस के वन प्लस के कॉस, इसके अपॉन में कॉस, इसके अपॉन में कॉस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है साइन ए प्लस वन माइनस के कॉस है, यहाँ से आ रहे हैं साइन ए माइनस वन प्लस के कॉस है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। अब देखो आपको लाना क्या है, वन प्लस साइन है बट्टा कॉस है, तीन नंबर का क्वेश्चन है, सो वन प्लस साइन है बट्टा कॉस है लाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें आता हुआ दिख रहा है क्या वन प्लस साइन है कॉस है, नहीं देख रहे हैं, अब हम क्या करें,